क्लासेस SBPS क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस टॉपिक डिस्कशन फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम विद कंप्लीटेड दिस चैप्टर सो द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द रीडिंग बुक नोट डाउन न्यूट्रिशन इन द रूमिनेंट्स वी डिस्कशन द प्रीवियस वीडियो सो ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यू हाफ डाइजेस्ट फूड एंड आर कॉल्ड रूमिनेंट्स तो ग्रास ईटिंग एनिमल जितने भी घास को खाने वाले जानवर हैं उनमें भोजन का आधा डाइजेशन होता है इसी वजह से इनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं दे रूमिनेट ऑफ द ब्रिंग बैक शट डाउन सॉल्वेंट फूड टू च्यू इट अगेन ऑब्जर्व द काउज बफेलोज एंड गॉट्स च्यूइंग कंटिन्यूसली एट रेस्ट इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग All ruminants are herbivorous. So, grass in rich of the cellulose and difficult to digest. Many animals, including the humans, cannot digest the cellulose. मनुष्य को कुछ जानवर हैं जो cellulose का पाचन कर सकते हैं. मनुष्य जो है वो उसमें क्या है cellulose का पाचन नहीं कर सकता है क्योंकि ruminants जो होते हैं उनके कॉलन भाग में एक बैक्टीरिया पाया जाता है इस बैक्टीरिया को मैथिलोजिन बैक्टीरिया कहते हैं जो मैथोन मीथेन को प्रोड्यूस करता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है नेक्स्ट इज द डे एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज देन हाउ डू रूमेंट्स डाइजेस्ट देयर फूड तो प्रिस्टी द रिक्वायर्ड मोर च्यूइंग That is why ruminants have big chewing teeth with powerful jaw and muscles. जो जानवर होते हैं जो chewing animals होते हैं उनकी powerful muscles present of the mouth and the powerful teeth are the present of the mouth. So the ruminants have the unique stomach divided the by the four compartment. So the stomach are the rumen, reticulum and omasum and the abdomasis. So are the different part of the four compartment the rumens, reticulum, omasum, abomasum are the present for the unique four part are the present in the rumens in stomach. The half chopped grass is the swallowing third part. It first goes from mouth to rumens, the largest of the four compartment are the present in the rumens. Bacteria and protozoa present in the rumen break down the cellulose food in grass. So bacteria and protozoa are present in the rumen break down of the cellulose and grass. The half digested food in grass through the second muscular chamber, the reticulum from where it is sent back to the mouth and cut the cheek. This action is known as the ruminating. So finally the event the fourth chamber the abomasum which is the too much enzyme act upon the food digestion of the process. So student this topic we discussed about this ruminants of the nutrition of the ruminants. तो सिंपल सी बात है जो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर द प्रेजेंट फॉर द ह्यूमन फॉर द एनिमल रूमेंट्स सो डाइजेस्ट ऑफ द सेलुलोज द ब्रेक डाउन ऑफ द बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ दैट इज बैक्टीरिया आर द मैथिलोजन आर्ची बैक्टीरिया आर द प्रेजेंट फॉर द रेक्टम ह्यूमन पार्ट आर द प्रेजेंट ह्यूमन पार्ट आर द प्रेजेंट ऑफ बैक्टीरिया सो बैक्टीरिया आर द प्रेजेंट डाइजेस्ट द सेलुलोज सेलुलोज को पचाने के लिए जो यानी फोर चैम्बर है रूमेन पार्ट है स्वच्छ का एनिमल्स का रूमेंट्स यानी जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट रहता है जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन के बाद में सेलुलोज का डाइजेशन हो जाता है इस प्रकार से यानी मनुष्य में भी डाइजेशन की प्रोसेस हमने आपने पढ़ी है उसके बाद में स्टडी जो भी आया है मूवमेंट न्यूट्रिशन ऑफ द रूमेंट्स So this chapter is the complete of the human digestive system and that is the animal digestion. Thanks for watching.